आज का हमारा टॉपिक है पिजन डिलेमा। पिजन डिलेमा जिसका इंट्रोड्यूस एल्बर्ट डब्ल्यू टुकर ने 1940 में किया था, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे गेम थ्योरी के। एल्बर्ट डब्ल्यू टुकर के बाद मार्लिल फॉर्ड और मेल्विन डस्टर ने पिजन थ्योरी को एक मुकाम में पहुंचाया, और वे लोग जब रेडन में काम करते थे 1950 में। पिजन डिलेमा को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिमिनल गैंग के दो मेंबर को अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया, लेकिन प्रोसिक्यूटर के पास सबूत के अभाव के कारण उन दोनों को कम सजा देना होगा। सजा देने के पहले प्रोसिक्यूटर ने मुजरिमों से सौदा किया। ये सौदा या संभावनाएं इस तरह है, दोनों मुजरिम या प्रिजनरों को ए और बी द्वारा सिंबल किया जाता है। यदि ए और बी दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे तो दोनों को 2 साल की जेल होगी। यदि ए बी के खिलाफ गवाही दे लेकिन बी चुप रहे तो ए को छोड़ दिया जाएगा और बी को 3 साल की सजा दी जाएगी। यदि ए चुप रहे लेकिन बी ए के खिलाफ गवाही दे दे तो ए को 3 साल का जेल होगा और बी को छोड़ दिया जाएगा। यदि ए और बी दोनों ही चुप रहे तो दोनों को 1-1 साल का सजा दिया जाएगा। इसको हम पिजन डिलेमा के फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इस तरह है। पिजन डिलेमा के इस फॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं कि पिजन बी को ऊपर लिखते हैं और पिजन ए को बाएं तरफ लिखते हैं, जिसमें पिजन ए के नीचे बिट्रेन और साइलेंट होता है। उसी तरह पिजन ए के दाहिने तरफ बिट्रेन और साइलेंट होता है। और ये जो फॉर्मेशन है इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मेशन बना, जिसमें यदि ए और बी एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे तो दोनों को 2-2 साल का जेल होगा, लेकिन यदि बी ए के खिलाफ गवाही दे और ए चुप रहे तो बी को फ्री कर दिया जाएगा और ए को 3 साल का जेल होगा। यदि इसी के उलट ये देखा जाए तो ए यदि बी के खिलाफ गवाही दे तो बी को 3 साल का जेल होगा और ए को फ्री कर दिया जाएगा। उसी तरह यदि दोनों चुप रहे तो दोनों को 1-1 साल का जेल होगा। आज का हमारा